भाई साहब को बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ कि आजकल चुनावी माहौल में अपनी इतनी व्यस्तताओं के कारण भी वो हमारे कार्यक्रम में आए और अपना कीमती समय में दिया। भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार, और अगली बार तिथि आपके अनुसार भी रखेंगे। मुझे याद है राजा सिंह जी ने जब स्वागत किया था 2010 में, तो उनकी इच्छा थी। वास्तव में ये विषय ऐसा है कि जो सबकी उत्सुकता रहती है श्रीलंका और उसके स्थानों को जानने के विषय में, तो ये मंगल कार्य है और इस समय भारतीय संस्कृति का पूर्ण जागरण है। और जो मोदी ने पूरे विश्व के अंदर जो माहौल बनाया हुआ है संस्कृति को लेकर, सद्भावना को लेकर, सेवा को लेकर, वो अपने आप में पूर्ण है। और हमको लोगों के इसका उपयोग अच्छे से करना चाहिए कि हम आने वाली संतति को, आने वाली जनरेशन को एक अच्छा भारत, विकसित भारत और विश्व गुरु भारत हम देकर जाए। पार्टी को लगातार अपनी संस्कृति और अपनी जो हमारी पुरानी परंपराएं हैं उनके संवर्धन का काम ये लोग कर रहे हैं। 26 मई से ये यात्रा प्रारंभ होगी। 108 श्रद्धालु श्रीलंका जाएंगे और जहाँ जहाँ प्रभु श्री राम के चरण पर हैं, अशोक वाटिका है, ऐसे कई स्थान भी बताए अजय भाई ने, उन सब स्थानों का वहाँ पर भ्रमण भी करेंगे और उनको वहाँ जाकर संकीर्तन भी होगा, सुंदरकांड का पाठ भी होगा और अपनी संस्कृति वहाँ का प्रचार प्रसार करने का इससे बड़ा माध्यम होगा। 2008 से ये लगातार सब लोग जाते हैं और हर वर्ष की भारतीय वर्ष में मुझे लगता है कि बहुत ही सुंदर कार्यक्रम होने वाला है। और विशेष रूप से मैं श्रीलंका सरकार को भी बधाई देता हूँ, भारत सरकार तो इसमें अपना प्रयास करती ही है कि दोनों देश मिलकर वहाँ पर प्रभु श्री राम की आराधना हो, क्योंकि अब श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा भी हो गई है और इस बार तो पूरा विश्व ही राममय वातावरण में है। मैं विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय रामलीला महोत्सव के श्री वीर टंडन जी को, भाई अजय भाई जी को, शक्ति बख्शी जी को बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। अजय जी, अब 26 मई से स्टार्ट होगा श्रीलंका, आपकी पूरी टीम जा रही है, किस कारण किस तरीके से काम किए रहे लोग कर जाना? देखिए, श्रीलंका में जो यात्रा जाती है इसका मूल जो कार्य है वो भारतीय संस्कृति और जो श्रीलंका में स्थित रामायण का ऐतिहासिक स्थान उनका क्षणकुल संवर्धन। तो जैसे आप निरंतर किसी चीज़ पर जाते हैं, वहाँ पर रहते हैं, उसके बारे में पूरे विश्व को पता लगता है तो उसका संरक्षण प्रारंभ हो जाता है। तो श्रीलंका में भी अब जो रामायणकालीन ऐतिहासिक स्थान है सरकार उन पर गौर कर रही है, उनकी व्यवस्था कर रही है और वो विकसित हो रहे हैं। तो पूरे विश्व में जो राम भक्त हैं भारत के अलावा भी पूरे विश्व में, वो भी सब लोग उस स्थानों से के बारे में अब जा रहे हैं और श्रीलंका में तो रामायण टूरिज्म के रूप में वो जगह डेवलप हो रही है। और जो वहाँ के हमारे बंधु बांधव हैं, वहाँ के जो तमिल टेंपल है या जो वहाँ के सनातन धर्म के लोग हैं उनको बड़ा उत्साह मिलता है। तो उन सब के विकास के लिए इस यात्रा का निरंतर आयोजन किया जाता रहेगा।